हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत का डोसा की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। व्रत का डोसा बनाने के लिए हमने एक कप शमा के चावल लिए हैं। शमा के चावल को भगर भी बोलते हैं। और एक चौथाई कप हमने साबूदाना लिया है, मीडियम साइज़ का साबूदाना लिया है। तो यहाँ पे हमने एक ग्राइंडर जार लिया है। अब हम शमा के चावल को डाल देंगे। शमा के चावल को और साबूदाना को हमें ग्राइंड कर लेना है। शमा के चावल को और साबूदाना को हमें धोकर नहीं लेना है, सूखा ही हमें पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे हमने एकदम फाइन पीस लिया है। अब हम दही डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे एक चौथाई कप दही लिया है, तो दही को हम ऐड कर देंगे। एक कप हमने पानी लिया है, तो हम आधा कप पानी इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है और एक बार फिर से हमें ग्राइंड कर लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। डोसे के बैटर को हमें ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। बस हमें चावल का डोसा बनाते ही वैसा ही बैटर चाहिए। तो यहाँ पे हमने बाउल में बैटर को निकाल लिया है। आप देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह की चाहिए। तो यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम बैटर को 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। फर्मेंट करके हम डोसा बनाते हैं तो एकदम जालीदार डोसा बनके तैयार होता है। अब हम उड़द वाली चटनी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सी जार लिया है, थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है, 2 बड़े चम्मच हमने मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली के दाने को हमने भून लिया है, छिलके हमने निकाल लिए हैं। 4 हमने हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को ऐड कर देंगे। 2 चम्मच हमने दही लिया है, दही को ऐड कर देंगे। और 1/2 चम्मच हमने जीरा लिया है, जीरा को भी हम ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच हमने सेंधा नमक लिया है, व्रत वाला नमक, तो व्रत वाले नमक को भी हम ऐड कर देंगे। और 2 चम्मच हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए व्रत की चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। तो अब हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम आलू मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, 1 चम्मच हमने ऑयल लिया है, 3 हमने बारीक चॉप करके हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को हम ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच हमने ग्रेट किया हुआ अदरक लिया है, तो अदरक को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने कड़ी पत्ता लिया है, कड़ी पत्ता को भी हम ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच हमने जीरा लिया है, जीरा को डाल देंगे। सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। तो 3 हमने उबले हुए आलू लिए हैं, आलू को हमने बारीक कट कर लिया है। अब हम आलू को डाल देंगे कढ़ाई में। 1/2 चम्मच हमने सेंधा नमक लिया है, सेंधा नमक को डाल देंगे। और 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है। आलू को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 मिनट के लिए आलू को पकाएंगे। तो यहाँ पे आलू को 2 मिनट हो गए हैं और देखिए आलू का मसाला हमारा रेडी हो गया है। थोड़ा सा कट किया हुआ हम हरा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा आलू का मसाला बनके तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। बैटर को 2 घंटे हो गए हैं, तो हम बैटर को देख लेंगे। बैटर जब अच्छे से फर्मेंट होगा तभी हमारे जालीदार डोसे बनके तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच सेंधा नमक लिया है, व्रत वाला, तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स, परफेक्ट है। अब हम डोसे बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक तवा लिया है, तवा के ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और तवे को पोंछ लेंगे कॉटन के कपड़े से। डोसा पैन पे हम बैटर डाल देंगे। तो हमने 2 चम्मच बैटर लिया है, तो बैटर को हम तवे के ऊपर डाल देंगे और हमें बैटर को फैलाना है। तो बस हल्के हाथों से हमें फैलाना है। अब हम क्रिस्पी होने तक डोसे को अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, शमा के चावल के डोसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं और व्रत के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा
अच्छे हैं, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए, डोसा हमारा एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हो गया है। अब हम निकाल लेंगे और बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स बनाना। व्रत में आप कभी भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने डोसा पैन पे 2 चम्मच बैटर लिया है। बैटर को हम हल्के हाथों से फैलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा डोसा भी बन गया है। अब हम क्रिस्पी होने तक डोसे को सेक लेंगे। तो यहाँ पे डोसा हमारा क्रिस्पी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो दूसरा डोसा भी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम डोसे के ऊपर मसाला डाल देंगे। आलू मसाला डोसा हमारा खाने में टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप आलू मसाला डोसा भी बना सकते हो। नवरात्र में 9 दिन के लिए आप अलग अलग नाश्ता बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, व्रत के लिए आप एक ही नाश्ता खाकर बोर हो गए हो तो आप मेरे चैनल पे जाके व्रत की रेसिपीज देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा डोसा बनके तैयार हो गया है। अब हम डोसा को निकाल लेंगे और कलर भी देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा आया है। तो अब हम सर्विंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे रख दिया है आलू का मसाला। तो आलू का मसाला हमने रख दिया है। अब हम व्रत की चटनी रख देंगे। तो फ्रेंड्स, व्रत की चटनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। तो चटनी भी हमने रख दी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हमारा डोसा बनके तैयार हुआ है, देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।